तो अभी भी नहीं भरा है। मतलब जो बॉम्ब ओडा ने पिछले चैप्टर में फोड़ा है उससे मैं अभी तक हाइप्ड हूँ, और इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी और बात करनी जरूरी है। और अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाकर देख लेना, उसमें मैंने चैप्टर के बारे में डिटेल में बात की हुई है। और स्केलिंग अगर मैं भूल नहीं गया हूँ तो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, तो वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही दूंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। के इंतजार के बाद अब फाइनली ओडा ने रिवील किया है कि जोरो के पास भी कॉन्करर्स हाकी है। और यही नहीं, उसी चैप्टर में हमें यह भी पता चला कि कॉन्करर्स हाकी सबसे ताकतवर हाकी है हर मायने में, अगर उसे एडवांस लेवल पर यूज किया जाए तो। अगर कॉन्करर्स हाकी के बारे में ओडा पहले भी हिंट देते रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिला एनिमे के लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ व्हाइट बियर्ड और रॉजर का क्लैश होता है। क्योंकि उस वक्त हम क्लियरली ये देख सकते थे कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड के वेपन्स आपस में टच भी नहीं कर रहे थे। यार पहली नजर में देखने से लगेगा कि ये कोई एकदम ही सीक लेवल की पावर्स होंगी, क्योंकि स्टोरी के इस पॉइंट पर हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। और रॉजर के पास किस तरह की डेविल फ्रूट्स की पावर है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, या फिर थी भी या नहीं ये हम अभी तक नहीं जानते। मगर जो कि ओडा ने दिखा दिया है कि कॉन्करर्स हाकी का किस एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है, तो अब इसके बारे में अंदाजा लगाना आसान है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में, जब लुफी ने काइडो पर अटैक किया, तब लुफी के पंचेस भी काइडो को टच नहीं कर रहे थे। देखो यार, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो ट्रेनिंग लुफी ने योगोरो से ली है वो भी एडवांस कॉन्करर्स हाकी का ही एक हिस्सा थी। मैं आपको दोष नहीं दूंगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, मगर ऐसा नहीं है। वानो कंट्री में हाकी का दूसरा नाम है रियो, जिसे लोग हाकी कहते हैं वानो में उसे रियो कहते हैं। वो एडवांस लेवल की हाकी जरूर थी, मगर वो कॉन्करर्स हाकी नहीं, बल्कि वो आर्नामेंट हाकी का एडवांस लेवल थी। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए हम सिंपली उस एडवांस आर्नामेंट हाकी को रियो कहेंगे। तो जब लुफी ने बताया कि कैसे रेली ने बिना टच किए एक जायंट एलिफेंट को नॉकआउट कर दिया था, उस वक्त लुफी बात कर रहा था एडवांस कॉन्करर्स हाकी के बारे में, क्योंकि उसे उस वक्त पता नहीं था कि वो कॉन्करर्स हाकी का हिस्सा है। तो उसने ये मान लिया कि जैसा योगोरो ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि उसी तरह की हाकी थी। योगोरो ने बताया था कि जिस हाकी का वो यूज करना चाहता है वो रियो है। नॉर्मली जब उसे किसी पर अटैक करना होता है तो वो आर्नामेंट हाकी का यूज करता है, जबकि रियो एक एडवांस लेवल है जिसमें एक हाकी यूजर खुद को अलाव करता है कि वो अपनी हाकी को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करने दे, जिसका यूज करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को वो अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि योगोरो ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। क्योंकि उस वक्त लुफी काइडो का एक बार सामना कर चुका था, जिसमें काइडो ने एडवांस कॉन्करर्स हाकी का यूज करके हमारे हीरो को सिर्फ एक ही अटैक से अनकॉन्शियस कर दिया था। मगर उस वक्त लुफी को नहीं पता था कि वो आर्नामेंट हाकी नहीं बल्कि एडवांस लेवल की कॉन्करर्स हाकी थी। जब यार हम सब जानते हैं कि जितने भी योंको हैं, जो एम्परर्स हैं, वो सब कॉन्करर्स हाकी का यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो व्हाइट बियर्ड हो, बिग बॉम हो, काइडो हो या फिर शेंक्स हो। और हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी मैसिव स्ट्रेंथ और पावर की वजह उनकी कॉन्करर्स हाकी है। अब जैसे कि यहाँ काइडो ने बताया था कि ओनली हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स कैन यूज दिस टेक्निक, इस टेक्निक से काइडो का मतलब था एडवांस कॉन्करर्स हाकी। इस टेक्निक में एक इंडिविजुअल खुद को कॉन्करर्स हाकी से खुद को कोट कर लेता है, जिसका वो यूज ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए कर सकता है, अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो। मैंने यहाँ पर ब्लैक बियर्ड का नाम नहीं लिया है, जबकि वो भी एक योंको है, क्योंकि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि टीच के पास भी कॉन्करर्स हाकी है या नहीं। मुझसे पूछो तो मैं जरा भी हैरान नहीं होऊंगा अगर बाद में रिवील हो जाए कि वो भी कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जब शेंक्स व्हाइट बियर्ड से मीटिंग करने के लिए आया था सालों पहले पोस्ट एंड इस लॉबी की आर्क में, तब शेंक्स ने बताया था कि वो ब्लैक बियर्ड यानी मार्शल डी टीच ही था जिसने शेंक्स को वो निशान दिया था। तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर शेंक्स भी कॉन्करर्स हाकी का यूज कर सकता है तो ब्लैक बियर्ड ने उसे वो निशान कैसे दिया, क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारे हीरो जब काइडो से पहली बार सामना करने गए तब लुफी काइडो को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था, और तो और लुफी काइडो के सिर्फ एक ही हिट से अनकॉन्शियस हो गया था, तो ये सवाल उतना जाहिर है। मगर हम जब पीछे जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब शेंक्स ने लुफी को अपनी हेड दी तब से उसके थोबड़े पर वो स्कार था। तो ये हो सकता है कि यह बात तब की होगी जब शेंक्स योंको नहीं था और टीच उस वक्त व्हाइट बियर्ड की शिप पर था।
तो अगर इससे अंदाजा लगाए तो पता चलेगा कि उस वक्त शेंक्स एडवांस कॉन्करर झांकी का यूज नहीं कर सकता था। तो बस यही एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है शेंक्स के स्कार को लेकर। मगर साथ ही इस चैप्टर में जोरो ने भी काइडो को एक कमाल के अटैक से घायल किया है, गंभीर रूप से ना सही मगर घायल जरूर किया है, क्योंकि ये बात खुद काइडो ने कंफर्म कर दी है, यानी जोरो के अटैक ने अपना स्कार जरूर छोड़ा है। देखो यार, जोरो ने जो किया वो उसका लास्ट मगर डेस्परेट मूव था, और उसी डेस्परेशन में उसने कॉन्कर झांकी का अनजाने में यूज किया। हालांकि ये बात और है कि जोरो का वो अटैक उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचा है जिस एक्सटेंट तक अब लूफी का अटैक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ जोरो भी नहीं जानता है कि उसने कॉन्कर झांकी का यूज किया है। मगर जोरो के अटैक को अगर मेजर या कंपेयर करें तो ये ठीक वैसा ही है जैसा लूफी ने मिंगू के सामने या फिर चिंजाओ के सामने यूज किया। और आपको याद ना हो तो बता दूं कि ओडिन भी कॉन्कर झांकी का यूज कर सकते थे। और बैक स्टोरी में हमने देखा कि जब ओडिन पहली बार व्हाइट बियर्ड से मुकाबला करने गए तब ओडिन की स्वॉर्ड टच कर रही थी, और फिर भी उस अटैक से वो प्रेशर और वो पावर लीक हो रही थी जो कॉन्कर झांकी थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि उस वक्त तक कोजुकी ओडिन नहीं जानते थे कि कॉन्कर झांकी का यूज कैसे करते हैं। तो समझ लो कि जोरो भी अभी उसी लेवल पर है। और जब कोजुकी ह्योरी ने जोरो को उसके शिशुई वापस करने की बात की तो उसने कहा था कि वो जोरो को शिशुई के बदले एक ऐसी स्वॉर्ड देगी जिसमें काइडो को भी कट किया है, और काइडो की बॉडी पर उसके राइट में हम एक निशान भी देख सकते हैं जो उसे तब मिला जब ओडिन जिंदा थे। तो हो सकता है कि ओडिन को शुरू में कॉन्कर झांकी के बारे में पता ना हो, मगर बाद में ओडिन ने सीख ली होगी जब वो रॉजर के साथ सफर कर रहे थे। तो क्या घूम फिर कर बात यही आती है कि क्या लूफी, जिसने अभी अभी एडवांस कॉन्कर झांकी का यूज करना सीखा है, जो अभी भी सीख ही रहा है, क्या वो काइडो को हरा सकता है? क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि लूफी काइडो के अगेंस्ट 1v1 जाना चाहता है। देखो यार, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सारे फोर एम्परर्स की ताकत का राज उनकी एडवांस लेवल कॉन्कर झांकी है, अगर टीच को छोड़ दे तो। और यही बात सारे एम्परर्स को बाकी दुनिया से अलग करती है। इट्स ऑल अबाउट एडवांस कॉन्कर झांकी। और इसलिए मैंने इससे पहले शेंक्स और ओडिन की बात की। काइडो के मुताबिक ओनली हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स कैन यूज एडवांस कॉन्करर्स हाकी, और वैसे भी सिर्फ कॉन्करर्स हाकी का यूज करने वाले गिनकर कुछ ही लोग हैं, लेट अलोन एडवांस कॉन्करर्स हाकी। यानी इसका मतलब अगर लूफी इस टेक्निक में भी मास्टरी कर लेता है तो लूफी की गिनती भी उन एम्परर्स ऑफ द सी में होगी। अगर ऐसा नहीं है कि लूफी और जोरो के इस लेवल पर पहुंचने से पहले वो काइडो का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। हालांकि थ्रू आउट द होल बैटल हमारे हीरो काइडो और बिग मॉम को कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए हैं, मगर अब जबकि जोरो और लूफी को पता चल गया है कि काइडो और बिग मॉम की बैंड कैसे बजानी है तो हमें उन पर भरोसा रखना ही होगा। मगर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रास्ता इतना आसान होगा, क्योंकि अब तक लूफी और बाकी सब लकी रहे हैं इस मामले में, क्योंकि लूफी बिना एडवांस लेवल के बारे में जाने वो और उसके दोस्त दोनों एम्परर्स को एक अच्छी फाइट देते आए हैं, और लूफी तो अब तक रियो का यूज करके ही काइडो को पंच मारते आया है। अब जो कि उसे एडवांस लेवल की जानकारी मिल ही गई है, तो फिर अब जरा इमेजिन करो कि अब लूफी कितनी बड़ी फाइट दे सकता है काइडो को, और ये बात उसके कॉन्फिडेंस में भी साफ साफ झलक रही है। अगर मैं अपनी स्पेकुलेशंस लगाऊं, मतलब अच्छी वाली, तो मुझे लगता है कि लूफी इवेंचुअली काइडो के सामने जीत जाएगा, जिससे लूफी काइडो को और जैगी बिग मॉम को रिप्लेस करेगा। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। खैर, अब ये फाइट हमारे हीरो को कहाँ ले जाती है ये तो ओडा ही डिसाइड करेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पर गैस ही कर सकते हैं। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें आने वाले वक्त में इस तरह की एडवांस लेवल हाकी के बारे में और जानकारी मिलेगी, क्योंकि मुझे शक है कि ओडा हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट एनिमे के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा, कोई बात नहीं। और साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship our Binx's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the winds our lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship our Binx's brew. Sing a song and play along, for all the oceans wide.
After all is said and done, you'll end up a skeleton. So spread your tail from dawn till dusk upon.